तो नेक्स्ट हमारे पास है अभी फ्यूचर्स इंट्राडे चार्ट। इसमें भी हम फ्यूचर्स का ओआई देख सकते हैं, बट ये इंट्राडे टाइम फ्रेम पे है। बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे रहता है, तो ये एवरी 5 मिनट आपको न्यू डेटा पॉइंट मिलेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये एवरी 5 मिनट डेटा आएगा। तो अगर आप जूम इंक्रीज करेंगे, जैसे कि अगर आपने 7 डे कर दिया, ज्यादा डेटा, राइट, ज्यादा डेटा दिखेगा, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है ये चेंज होकर 30 मिनट हो चुका है। अच्छा, ओके, राइट। वो कहां दिखता है? यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये वाला डेटा पॉइंट आपका 11 o'clock का है, नेक्स्ट डेटा पॉइंट आपका डायरेक्टली 11:30 का है। जैसे आप जूम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे टाइम फ्रेम कम होगा, यस, बढ़ेगा, राइट, करेक्ट। तो हम यहाँ पे डे वन डे पे आ जाते हैं। इसमें ये जो ऊपर 4 टैब दिखाया, निफ्टी, पीसीआर, मैक्स पेन, ये टिक या अनटिक कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं चाहिए, समझो लास्ट वाला नहीं चाहिए, तो उसको अनटिक करके वो हटा सकते हैं। अगर आपको मैक्स पेन और मॉडिफाइड मैक्स पेन नहीं देखना, तो सिर्फ यहाँ पे निफ्टी और पीसीआर देखिए। करेक्ट करेक्ट, आप वो दोनों देख सकते हैं। ये डेटा जो आप, और ये पीसीआर है कौन से एक्सपायरी का? करंट एक्सपायरी, करंट मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, यस यस। वीकली एक्सपायरी का देख सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये हम फ्यूचर्स का डेटा देख रहे हैं, तो इसीलिए हम मंथली का ही यहाँ पे दिखाते हैं, डिफॉल्ट करंट मंथली का। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, ये जो हमारा डिफॉल्ट जूम है वन डे का है, तो आपको जो डेटा दिख रहा है 6 जुलाई से 7 जुलाई का दिख रहा है। तो आपको अगर पीछे का कभी देखना है, यहाँ पे हम 6 मंथ का ऑप्शन देते हैं, 6 मंथ तक का आप डेटा देख सकते हैं, मैक्स किया तो, ये मैक्स किया तो, या फिर आपको अगर स्पेसिफिक देखना है, तो नीचे हमने एक स्लाइडर दिया हुआ है, तो इसको आप, ये फ्रॉम वाला स्लाइडर है, वो टू वाला स्लाइडर है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, तो ये देखेंगे 17 मई का हो गया, हाँ, पीछे चला गया, राइट। और हम टू वाला हम इसको छोटा कर देंगे, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में डेटा देखने के लिए मिलेगा, तो ये उस समय का, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो उस समय का हम डेटा यहाँ, किसी को लेट से 2 महीना पहले का इंट्राडे स्ट्रक्चर देखने का था, तो पूरा दोनों स्लाइडर वहां पे लेके जाके उस दिन का इंट्राडे देख सकते हैं। एग्जैक्टली, वो डेट एंड टाइम हम यहाँ पे टाइम स्लाइडर में सिलेक्ट करके, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं ना, वो, यस, यहाँ पे हमारे पास ऊपर टेक्स्ट बॉक्स भी है, यहाँ पे हम टाइप करके हमारा सिलेक्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम जो भी है।